पंजाब सदियां तो ही कुदरती आफतां नूं अपने उत्ते हटाउंदा आ रहा है। जेकर इस साल की गल करदे आं तां शुरुआती महीनों दे विच ही पंजाब दे विच हड़ां कारण भारी तबाही मची सी, जिस कारण पंजाब दे कई जिलों के कई पिंड इस हड़ां की मार हेठ आए सन अते लखां करोड़ां दा उस समय नुकसान होया सी। एक बार फिर पंजाब दे विच पानी दे नाल होण वाली तबाही दस्तक देण जा रही है। इस बार हड़ां दे नाल नहीं बल्कि आसमान तो पानी बरसेगा, जिस कारण पंजाब नूं डाढ़ा नुकसान होण दा खदशा जताया जा रहा है, ते जिस दे कुछ कु उदाहरण साडे सामने आ भी रहे ने। इस वेले पंजाब दे विच झोने दी फसल पक के तैयार हो चुकी है, पर मौसम शायद उस फसल नूं वड्ढण तक नहीं दे रहा, क्योंकि पंजाब दे कई खेतरां दे विच भारे मीह दे कारण फसल नुकसानी जा चुकी है। खेतां दे विच झोने दी फसल जिहड़ी है ओह विछ चुकी है। इस दे नाल ही इस वेले वड्डी खबर, वड्डी अपडेट मौसम नूं लै के सामने आ रही है कि आउण वाले दिनां दे दौरान फिर तों भारी मीह पैण दी चेतावनी जिहड़ी है ओह जारी कर दित्ती गई है। इह चेतावनी जो जारी कीती गई है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे विच मौसम विभाग दे जो मुखी ने डॉक्टर पवनीत कौर, उन्हां वल्लों जानकारी दिंदे होए दस्सिया गया है कि आउण वाले दिनां जिन्हां दे विच 15 अते 16 अक्तूबर नूं पहलां तों ही येलो अलर्ट जारी कर दित्ता गया है। पंजाब दे वख-वख थावां ते हल्की तो भारी बारिश जिहड़ी है ओह हो सकदी है। इस दे नाल ही 17 अक्तूबर नूं भी हल्की तो दरमियानी बारिश होण दी संभावना जताई गई है। 18 अक्तूबर की गल करदे आं तां उस तों बाद जाके मौसम दे साफ होण दी जानकारी सामने आ रही है, पर इह अजे तक उस दे बारे विच असीं पूर्ण तरीके नाल नहीं कह सकदे कि 18 तरीक तों बाद मौसम बिल्कुल साफ होवेगा जां नहीं। पर इस वेले मौसम दे नाल किसानां दे नाल फसलां दे नाल जुड़ी हुई वड्डी अपडेट है कि किसानां नूं सुचेत होना चाहीदा, अपनियां फसलां नूं सांभण दे लई जो काम है ओह आरंभ कर दित्ते जाणे चाहीदे ने। हालांकि पंजाब दे विच फसल जिहड़ी है काफी थावां दे उत्ते संभाली भी जा चुकी है, पर वड्डे पद्धर दे उत्ते फसल दा नुकसान हुंदा भी दिखाई दे रहा है। ते हुण मौसम एक बार फिर तो तेज मीह गड़ेमारी अते हवावां दे कारण पंजाब दे दुआबा अते माझा खेतरां दे विच फसल दे खराब होण दा खदशा जताया जा रहा है। जी असी पिछले 2-3 दिनों तो देख रहे हैं कि एक जिहड़ा WD सिस्टम वो बनया होया है और अदा असर जिहड़ा सारे पंजाब विच ही देखण नूं मिल रहा है। सो पिछले 1-2 दिन सारे पंजाब विच ही किते किते हल्की तो दरमियानी बारिश भी ऑब्जर्व की गई है, जिवें लुधियाणा विच भी कल 4.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई सी और अज 6.6 मिलीमीटर जिहड़ी सवेरे बारिश रिकॉर्ड की गई है। सो हुण क्योंकि जिहड़ी झोने की फसल पक्की हुई है या हारवेस्ट हो चुकी है, सो इह वाली स्टेज जदों भी बारिश हुंदी है तां उह फसल नूं जरूर नुकसान करती है। और अज दा जिहड़ा दिन हैगा अज हले सारे पंजाब विच ही काफ़ी थावां ते हले भी लाइट टू मॉडरेट जो बारिश है हो सकती है। इहदे तों बिना जिहड़ा माझा ते दुआबा विच किते किते हैवी रेन होण दी भी प्रेडिक्शन है और लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी किते किते सारे पंजाब च ही हो सकती है। बट कल तो जिहड़ी बहुत घट थावां ते जिहड़ी हल्की बारिश की प्रेडिक्शन और परसों तो जिहड़ियां कंडीशनस ने उह क्लीयर हो जाणगियां। तेज हवा भी चलन गया क्योंकि इतने कल परसों शाम भी चक्कर आया सीगा काफी हवा चलन जी। अज तक हले जिहड़ियां तेज हवावां या जिहड़े थंडरस्टॉर्म्स लाइटनिंग ये एक्टिविटी काफ़ी थावां ते हो सकती है और ये करके 15-16 तरीक नूं IMD वल्लों येलो अलर्ट भी जारी किया गया सी। सो अज भी येलो अलर्ट जिहड़ा जारी किया गया है। सो सारिआं नूं अज ज़्यादा ध्यान रखने की लोड़ है। कल तो हल्की बारिश किते किते हो सकती है और परसों 18 तरीक तो जिहड़ियां कंडीशनस क्लीयर होण दी प्रेडिक्शन है। ते तापमान च किन्ना फर्क देखण नूं मिलदा है क्योंकि टेंपरेचर जी पिछले दिनों विच जिहड़ा टेंपरेचर 31-32 डिग्री सेंटीग्रेड दे अराउंड चल रहा सीगा, बट हुण क्योंकि सिस्टम दा इफेक्ट होया उहदे नाल डे टाइम टेंपरेचर दे विच असी कमी देखी है। सो कल दा जो मैक्सिमम टेंपरेचर रिकॉर्ड किया गया 29.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जदों कि कल दा नॉर्मल 32.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल तो नीचे रहा। और जे असी रात दा टेंपरेचर देखिए अज 18.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जदों कि अज दा नॉर्मल 16.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो असी कह सकते हैं कि रात दा टेंपरेचर नॉर्मल तो थोड़ा जिहा वध चल रहा हैगा क्योंकि क्लाउडी और रेनी कंडीशनस ने, और जिहड़ा डे टाइम टेंपरेचर नॉर्मल तो नीचे चल रहा है।